वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेल विभाग की भर्ती, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, और वन विभाग की भर्ती, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक की भर्ती जो 2023 में आई थी, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमने जो आधार बनाया था वो गूगल फॉर्म आपसे फिलअप करवाया था। काफ़ी कम डेटा आप लोगों ने सेंड किया है गूगल फॉर्म में, तो लगभग 300 लोगों का डेटा ही मेरे पास रिसीव हुआ था। इसके अलावा मैंने रैंक आईक्यू से डेटा मांगा था, तो उन्होंने मुझे अभी डेटा सेंड नहीं किया है। बाकी बच्चों ने रैंक आईक्यू के स्क्रीनशॉट हर एक कैटेगरी वाइज उन्होंने मुझे भेजे थे कि कितने नंबर पे क्या रैंक उनकी कैटेगरी से आ रही है। तो इस सबको मैंने पर्सनली एनालिसिस करके और आपके लिए मैंने कट ऑफ बनाए हैं फिजिकल के लिए। तो दोस्तों, मैं कभी भी ऐसे हवा में कोई भी कट ऑफ नहीं बनाता हूं, और जब मुझे डेटा कम मिलता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस का जो मुझे है इतने 6-7 सालों का व्यापम का, और आपको पता है अभी तक जितने भी कट ऑफ हमने बनाए हैं सब सटीक बैठे हैं, तो उस आधार पर आप भरोसा कर सकते हैं मेरे कट ऑफ पर। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सबके अलग अलग कट ऑफ बनाए हैं। आप सभी को पता है कि फीमेल का रिजर्वेशन नहीं होता है वन विभाग की भर्तियों में, ठीक है ना। वन विभाग की जितनी भी भर्तियां होती हैं वहां पर आपके फीमेल रिजर्वेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे हाई कट ऑफ रहेगा वो रहेगा जेल अधीक्षक की पोस्ट के लिए, सहायक जेल अधीक्षक, है ना, सहायक डिप्टी बोल दो या असिस्टेंट बोल दो, सहायक जेल अधीक्षक की भर्ती के लिए। उसके बाद जो आपका कट ऑफ रहेगा वो जेल प्रहरी का कट ऑफ रहेगा, फिर आपका क्षेत्र रक्षक का, फिर वन रक्षक का। ये फाइनल कट ऑफ जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तब देखने को मिलेगा। अभी हम सिर्फ फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के लिए मैंने एक कट ऑफ दे दिया है, जेल प्रहरी के लिए अलग से दिया है, और जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक के लिए अलग से मैंने कट ऑफ दिया है, ठीक है। तो इनके लिए हमने अलग अलग से कट ऑफ दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो मेल फीमेल का सेम कट ऑफ, जिसके भी 74 के आसपास नंबर हैं दोस्तों, 74, 74, इससे एक दो नंबर अगर आपके कम भी हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करें। EWS में 71, OBC में 70, SC में 67 और ST में 58, बाकी एक्स मैन के लिए 50 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी, सारी कैटेगरी वाले फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से जेल प्रहरी में अगर आपके नंबर हैं, ठीक है ना, जेल प्रहरी का थोड़ा सा एक आध नंबर है जिनका सिर्फ जेल प्रहरी जिन्होंने भरा हुआ है, बाकी इनका मैं एक ही कट ऑफ बना देता, लेकिन जेल प्रहरी का अलग से इसलिए बनाया क्योंकि जेल प्रहरी में फीमेल के लिए अलग से जो 33% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो जेल प्रहरी में अगर आपके UR में इतने नंबर हैं, 75 मेल और 70 के आसपास, इससे एक दो नंबर कम भी, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो नंबर कम भी, क्योंकि मैं जो नंबर बताता हूँ वो मैं एक जो लिमिट है वो उसमें सभी फैक्टर जितने भी हैं सबको कंसीडर करके बताता हूँ, बाकी आप इससे एक दो नंबर कम भी, क्योंकि एक दो नंबर कम अगर कट ऑफ जाता है तो मुझे ही खुशी होती है, ठीक है ना। तो इससे एक दो नंबर अगर आपके कम भी हैं तो भी आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए, ठीक है। ये सारी कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूँ कि UR 75 जेल प्रहरी के लिए, फीमेल 70, EWS का मेल 72, फीमेल 68, OBC का मेल 71, फीमेल 67, SC का मेल 68, फीमेल 62, ST में 59, 53 मेल फीमेल, और X-Men वही 50-60 के आसपास, आपके 50 से 60 के बीच में आपके नंबर है, तो आसानी से आप लोग अंदर हैं। और जो सहायक जेल अधीक्षक की जो आपकी जो भर्ती है, इसके लिए आपके डेफिनेटली हायर कट ऑफ रहेंगे। टोटल 33 के आसपास वैकेंसी हैं, बहुत कम वैकेंसी हैं, तो 80 के ऊपर आपका फिजिकल का कट ऑफ लगेगा, 80 के आसपास। 76 फीमेल UR में, EWS में 78, 75 मेल फीमेल, OBC में 77, 75, SC में 75, 72 और ST में 72, 66 और X-Men 60 प्लस के आसपास आपके कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इतना आपका फिजिकल का कट ऑफ रहेगा। फाइनल कट ऑफ के लिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, फाइनल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोगों को, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फाइनल में आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करेगा इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा वो मैं आपको अभी आने वाले टाइम में बता दूंगा। बाकी अगर आपके इतने नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप लोग अपना समय बर्बाद कीजिए फिजिकल पे, तो बिल्कुल आप लोग फिजिकल निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए, आपको फिजिकल के लिए तो इतने नंबर में बुलाया ही जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो डेटा है ना गूगल फॉर्म का डेटा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, सारा डेटा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सुरेश मालवीय सर एग्जामिन चैट ग्रुप, और एक चैनल के नाम से है एग्जामिन सुरेश मालवीय सर, तो सारा डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितनी भी अपडेट्स होंगी वहाँ पर मिल जाएंगी, सारे बच्चे वहाँ पर सिलेक्टेड
मोस्टली सिलेक्टेड ही हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर सही गाइडेंस मिलेगी और जो फर्जी वाला जो चल रहा है इधर उधर का, उससे आप लोग दूर रहोगे, बचे रहोगे, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी पेपर आ गया है, तो उसकी भी आप लोग अगर भरा हुआ है तो अच्छे से तैयारी करके उसको दीजिए। और कई लोगों का सिलेक्शन इस जो ये पेपर दिया उनका पटवारी भर्ती में भी हो चुका है, तो आप लोगों के लिए इनिशियल कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन कई लोग फिजिकल देने नहीं जाएंगे तो फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। आप लोग मेरी बात अगर आखिरी तक ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी। बाकी जो भी आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ओपन है आप सभी के लिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कमेंट सेक्शन ज्वाइन कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर चैनल द्वारा कभी भी आपको हवा में या फर्जी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जो भी है जेन्युइन आपको दी जाती है जानकारी, ठीक है। क्योंकि मैं भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में हूँ, अभी जो आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा है उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मेरिट 1 है मेरी कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर में, ठीक है। तो दोस्तों फालतू के लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा और जो जेन्युइन लोग हैं उनसे जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़िए और इतने नंबर हैं तो फिजिकल की तैयारी आप डेफिनेटली करिए, इससे 2-3 नंबर कम भी हैं तो भी आप तैयारी करिए, नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। तो बाकी डिटेल एनालिसिस का आप लोग जो वेट कर रहे थे, तो डिटेल एनालिसिस में नहीं कर पाया क्योंकि डेटा बहुत कम था। मैं आपको 300 लोगों का डेटा है वो मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ से थोड़ा बहुत अपना अंदाज़ा लगाइए और ये मैंने अपने एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी शेयर कराओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।